हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम क्लास 12th में भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर फर्स्ट है आज हम उसे पढ़ने वाले हैं। देखिए जो क्लास जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसकी थ्योरी को हमने कंप्लीट किया था, और आज जो हम बात करने वाले हैं उसके न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश, कोलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो देखिए वो फॉर्मूला किस प्रकार है। पहला फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। तो जहाँ पर देखिए क्यू जो होता है वो होती है हमारी आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। यहाँ पर जो एन होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो ई होता है स्मॉल ई वो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R² कूलाम के नियम से। यहाँ पर जो हमारा एफ था वो था वैद्युत बल, वैद्युत बल। और जो यहाँ पर हमारा आर है, देखिए क्यू और Q1 जो Q2 हैं वो तो हमारे यहाँ वैद्युत आवेश ही होते हैं, आवेश की मात्रा। लेकिन जो आर होता है वो होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था ई इज इक्वल टू ई नॉट के, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के पढ़ा था हमने एक फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए जो के होता है वो तो होता है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। और जो हमारा एप्सिलॉन होता है वो होता है परावैद्युतांक माध्यम की वैद्युतशीलता। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है हमारा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पर ई जो होता है वो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एफ जो हम पढ़ चुके हैं वैद्युत बल होता है, और क्यू क्यू नोड जो होता है वो हमारा आवेश होता है। यहाँ पर क्यू नोड जो परीक्षण आवेश होता है, इसकी जगह हम क्यू भी रख सकते हैं आवेश। उसके बाद एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ये फॉर्मूला था ई इज इक्वल टू 9 × 10⁹ × Q/R². ठीक है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू हमारे आवेश की मात्रा, और आर हमारे जिस बिंदु पर हमारा आवेश रखा रहता है, और क्यू से क्यू नोड तक की दूरी निकाली थी हमने, परीक्षण आवेश से वैद्युत आवेश तक के बीच की दूरी। एक फॉर्मूला था हमारा पी इज इक्वल टू 2L × Q, या 2QL भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर जो देखिए क्यू है वो तो हमारा आवेश होता है, जो एल होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, वो 2L होती है पूरी। और जो P होता है वो यहाँ पर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने दो व्यंजक प्राप्त किए थे। इसकी दो स्थितियाँ होती हैं, एक होती है नंबर एक अक्षय स्थिति, नंबर दो निरक्षय स्थिति। अक्षय स्थिति में जो फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इज इक्वल टू 9 × 10⁹ × 2P/R³ होता है। लेकिन जब निरक्षय स्थिति की बात करते हैं तो उसमें E इज इक्वल टू 9 × 10⁹ × P/R³ होता है। यहाँ पर अक्षय में 2P होता है तो यहाँ पर सिंगल P होता है, 1P होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा था टोए बराबर पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर जो टोए था वो था हमारा बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। और जो यहाँ पर थीटा था वो जिस थीटा पर हमने वैद्युत क्षेत्र हमारा रखा हुआ, द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ था, वो उसके बीच बनने वाला कोण था। एक पढ़ा था टोए मैक्स इज इक्वल टू पी इंटू ई। टोए मैक्स का यहाँ पर टोए मैक्स क्या था हमारा, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण। ठीक है,
अब ये सारे फॉर्मूल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आइए अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है। कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? हमारे हमें दिया हुआ है, एक चालक पर आवेश दिया हुआ है एक कूलाम का, और उस पर हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा जिसे हम डिनोट करते हैं क्यों से, एक कूलाम, और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, जो उसकी यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो होती है हमारी एन। तो देखिए जब क्यू और एन एक साथ होते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास होता है क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, लेकिन हमारे पास एक